उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, मैं भी खैरियत से हूँ। आज हम बना रहे हैं मेमनी ढोकरे। मैं इसकी रेसिपी के सामान आपको दिखाने जा रही हूँ। जब तक आप जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब फ्री में होता है, कोई पैसे नहीं लगते, जल्दी से कर दीजिए प्यारे व्यूअर्स। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स ने सब्सक्राइब कर दिया होगा। आइए अब चलते हैं रेसिपी की तरफ। मेमनी ढोकरे बनाने के लिए हमें चाहिए प्याज, जो 3 अदद छोटी छोटी प्याज थी मैंने काट के छोटे छोटे टुकड़े बना लिए। ये सोया है जिसे धो के मैंने साफ करके रखी है। ये बंद गोभी है 1 पाव के करीब, 1 पाव के करीब। ये सेम की फली है, ये 1.5 पाव मैंने दाने लिए थे थोड़े डालने के लिए, अच्छे लगते हैं। ये प्याज काटी है हमने 3 अदद। ये धनिया है, ये 2 अदद गाजर है, और ये चने की दाल मैंने बॉईल कर ली है। ये हमेशा याद रखें, आप कोई भी दाल बनाएं गर्म पानी में डाल के भिगा दें ताकि ये दालें गल जल्दी जाती हैं और फूल भी जाती हैं। आप देखें कितनी बड़ी दाल हो गई। इसको मैंने 1/2 घंटे गर्म पानी के अंदर डाल के छोड़ दिया था। आप लोग भी कोई भी दाल बनाएं, मूंग की दाल भुनी हुई बनाते हैं हम, साबुत मसूर हम पुलाव में डालते हैं, उसको भी आप 1/2 घंटे के लिए गर्म पानी, जोशीला पानी हो उसके अंदर डाल के ढक के रख दें। इसके बाद इसको आप 1/2 घंटे बाद फिर आप इसको बॉईल करें तो देखें बहुत मज़ेदार और जल्दी से बॉईल हो जाती है। और इसमें हम डालेंगे बैंगन और डालेंगे पालक, जो धो के मैंने साफ करके रखी हुई है। 1/2 किलो मैंने पालक ली थी, 1/2 किलो बैंगन है, और हमने लिए इसके लिए 1/2 किलो आलू लिए जो मैंने काट के टुकड़े कर लिए इसके छोटे छोटे, और लिए 1/2 किलो ही मैंने टमाटर लिए। टमाटर आप कम भी डाल सकते हैं और ज्यादा भी डाल सकते हैं, वो आपकी मसला है। अब मैं शुरू कर रही हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो हमें इस चूल्हे ने बड़ा परेशान किया है, इस चूल्हे ने ना हमें बड़ा परेशान किया हुआ है। मेरा चूल्हा खराब हो चुका है, मैंने पहले व्लॉग में डाला है लेकिन वो व्लॉग अब कब आपके पास आएगा ये मुझे नहीं पता, इसलिए मुझे ये पुराने चूल्हे पे काम करना पड़ रहा है, बड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन अब गुजारा तो करना है ना। देखें इस तरीके से आग छोड़ना शुरू कर देते हैं। चले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम डालेंगे पहले तेल, तीन चमचे हमने भर के ऑयल डाला है इसमें। ये देखिए ये तीन है, तेल गरम हो गया है, मैंने 3 चम्मच भर के तेल डाला है, ये गरम हो गया है। अब हम इसमें प्याज डाल रहे हैं, प्याज थोड़ी ब्राउन कर लेंगे, इसके बाद सारे मसाले डाल देंगे। बहुत आसान तरीका भी है और अच्छा भी बहुत बनता है, बहुत मज़े का लगता है, आप लोग जरूर बनाइएगा ये। और दूसरी बात खास ये है कि सारी सब्जियां बच्चों को खाने मिल जाती हैं, सारी सब्जियों का टेस्ट मिलता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप मुझे लाइक करा करें, कमेंट करा करें, ताकि मेरा भी हौसला बढ़े। मुझे भी अच्छा लगता है जब कमेंट कोई करता है, मुझसे बात करता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, खुशी होती है। तो आप लोग करा करें, और अगर करते हैं तो सब्सक्राइब भी कर दिया करें साथ साथ। और अगर एक बार आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो फिर दोबारा ना करें। अब हम बैंगन भी काट लेते हैं साथ साथ। बैंगन मैंने इसलिए नहीं काटे थे के ना काले पड़ जाते हैं ना, बैंगन काले हो जाते हैं अगर काट के रख दो तो। बैंगन को हमने नहीं काटा था, बाकी सारी सब्जियां हमने काट के रख दी थी। देखिए बैंगन मैंने अभी काट लिए, पहले नहीं काटे थे क्योंकि बैंगन काले पड़ जाते हैं अगर काट के रखते हैं ना, तो बैंगन काले हो जाते हैं, इसलिए मैंने पहले नहीं काटे थे, अभी काटे हैं।
ठीक है। अभी प्याज हो रही है, थोड़ी प्याज हो जाए तो फिर मैं सारे मसाले इसमें डालती जाऊंगी और आपको दिखाती जाऊंगी। मैं बना रही हूँ इसको, आप कोई भी मिस नहीं कीजिएगा। फिर आप पूछते हैं ये चीज़ किस तरीके से, ये चीज़ किस तरीके से, तो आप लोग इसलिए पूरी रेसिपी देखा करें ताकि आपको बनाने में बिल्कुल आसान लगेगी। ये देखिए प्याज हमारी हो चुकी है, हल्की ब्राउन करनी है वरना काला हो जाएगा मसाला, हल्की ब्राउन पे करेंगे। अब इसमें हम शामिल कर देंगे आलू, आलू शामिल कर दिया, पालक धो के रखी है छान के, ये पालक शामिल कर दी, सारी चीज़ें हम इसमें डाल देंगे, एक साथ भून जाएगी ये। और देखिए जब मैंने अपना चैनल नहीं बनाया था तो मुझे पता नहीं था कि सब्सक्राइब क्या होता है, जब मैंने अपना चैनल बनाया मुझे पता चला, फिर मैं सबके ही चैनल को सब्सक्राइब कर देती हूँ। क्यों? क्या अगर सब्सक्राइब करने में मेरे तो पैसे नहीं लग रहे, लेकिन दूसरों के लिए अच्छा ही है। अगर दूसरों का हमारे से कोई नेकी हो जाती है तो अच्छी बात है, हम बिना पैसों के क्यों ना कर लें। सिर्फ हमें सब्सक्राइब ही तो करना है, क्लिक ही करना है ना, और क्या करना है। देख तो हम वैसे ही रहें। ये देखिए हम टमाटर डाल रहे हैं इसके अंदर, आप पूरी रेसिपी ध्यान से देखें ताकि आपको बनाने में आसानी आएगी। इनमें सन है वो नहीं डालूंगी, चने की दाल नहीं डालूंगी, आलू गल जाएंगे इसके बाद डालूंगी। ये थोड़ा धनिया भी हम डाल देंगे इसमें, ये सोया भी डाल देंगे, जो चीज़ें गलने वाली है वो हम डाल देंगे, जो नहीं गलेंगी बाद में उसको हम ऊपर से छोड़ देंगे। ये इनको गलाना है, इनको भी जाने देंगे। प्याज को इतना टाइम नहीं लगता, आपको पता है प्याज इतना टाइम नहीं लेती। सेम की फली भी हम आलू थोड़े आधे कच्चे हो जाएंगे फिर डालेंगे, गोभी और सेम की फली ये चीज़ें भी हम बाद में डालेंगे। चूल्हे की वजह से हम बड़े परेशान हो गए हैं, अब मैं जाऊँ बाज़ार निकलूँ तो चूल्हा लेके आऊँ, या फिर इसी चूल्हे को मैंने बनवाया, हालांकि उसने 1200 रुपये लिए मुझसे, मगर पता नहीं किस तरीके का बना के दिया है, फिर उसमें से आग निकलना शुरू हो गई। ये देखें हम हल्दी डाल रहे हैं हाफ टी स्पून के करीब, इसमें हम डालेंगे पिसा हुआ गरम मसाला 1 टीस्पून भर के। अब इसमें डालेंगे लाल मिर्ची, पिसी हुई धनिया, और साबुत गरम मसाला हम नहीं डालेंगे क्योंकि खाने में वो फिर आता रहेगा, पिसा हुआ डालेंगे। ये धनिया डाल दिया हमने 2 टीस्पून। अब हम इसमें डालेंगे लाल मिर्ची पिसी हुई, वो आपके टेस्ट के मुताबिक आप डालें, बाज लोग तेज खाते हैं, बाज लोग हल्का खाते हैं, आप जिस तरीके का खाते हैं उतनी मिर्ची इस्तेमाल करें। मैं इसमें भर के 2 चम्मच डालूंगी, ये देख, अब हम इसको सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और इसको हम थोड़ी देर आलू को गलने के लिए इसमें छोड़ देंगे, आलू गल जाएं इतनी देर इसको हम रहने देंगे, जब तक मैं आटा वाटा गूंद लूँगी, आटे को तैयार कर लूँगी। ये असल में बड़ा पतीला मैंने इस वजह से लिया है कि ये है ना खुला पतीला बर्तन होगा ना तो वो सही सही बनेंगे, नहीं तो जिस वक्त आटा गूंद के हम उसमें वो बना के डालेंगे ना तो वो चिपक जाएंगे एक दूसरे में, ये मसला है। अब मैं इसको आलू को गलने के लिए छोड़ देती हूँ, फिर मैं दूसरी सारी सब्जियाँ इसमें शामिल करूँगी। नमक भी डाल दूँ इसके अंदर मैं साथ साथ, ये देखें नमक डाल रही हूँ मैं, नमक डाल दिया हमने। अब ये मैं आटा, जब तक आटा गूंद लूँ तो जब तक ये आलू वगैरह इसके गल जाएंगे, इसका थोड़ा सा भी वजन बैलेंस वो आउट हो रहा है ना तो पतीला लग रहा है कि अभी गिर जाएगा। ये देखें मैंने मसाले इसमें सारे डाल दिए, आलू पालक और ये डाल के जो गलने वाली चीज़ें, अब आधे आलू गल जाएंगे, इसके बाद मैं बैंगन गोभी सेम की फली वो सब डालती जाऊँगी हिसाब से। अब मैं इसको ढक के रख लूँगी थोड़ी देर के लिए, मसाला भुन भी जाएगा और आलू भी गल जाएंगे। देखो हम खोल के देख रहे हैं 10 मिनट हो गए इनको, ये भून रहे, भून चुका है मसाला मेरा। अब मैं इसको थोड़ा आलू को देख लूँगी ताकि सेम की फली गाजर ये सब चीज़ें डाल देंगे ना। आलू अभी आधे हो गए, ज़्यादा नहीं हुए लेकिन आधे हो चुके हैं। इसमें हम डाल रहे हैं गाजर, सेम की फली ये डाल दी हमने, सेम की फली भी डाल दी, गाजर भी डाल देंगे, ये गाजर भी डाल दी हमने। सोया जो है ना वो हम थोड़ी बचा लेंगे,
वो हम आटा गूंदने में शामिल करेंगे। जिस वक्त आटा गूंदेंगे ना उस वक्त ये थोड़ी डाल देंगे और ये भी डाल देंगे। बस चने की दाल तो हमारे पास सही उबली हुई, और इसमें डालेंगे एक चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। सब चीज़ें डाल के फिर हम इसको फिर ढक के इसको छोड़ देंगे। थोड़ा सा पानी शामिल कर देते हैं एक चमचे के लिए। एक चम्मच पानी डाल दिया इसमें मैंने। अब इसको मैं फिर ढक के रख रही हूँ। ये आप देख सकते हैं मैंने फिर ढक दिया इसको, ताकि ये आलू ढके हुए होंगे ना तो आलू जल्दी गल जाएंगे। अगर हम खुला छोड़ेंगे तो आलू नहीं गलेंगे, और इसमें यही चीज़ है सिर्फ आलू ही गलाने हैं ज़्यादातर। ये देखें अब मैं हमें फिर 10 मिनट के बाद इसे ढक्कन को खोल रही हूँ और आलू को चेक करूँगी कि आलू गल गए हैं। ये देखें आलू गल चुके हैं हमारे। अब इसमें हम डाल देंगे बैंगन, ये गोभी, ये प्याज। मुकम्मल सामान जा चुका है। ये धनिया, अब हम इसको घुमाते हैं। ये सारी चीज़ें, आप जो चीज़ आपको नहीं पसंद है आप ना डालें, सिर्फ चने की दाल, आलू, बैंगन डाल लें, पालक डाल दें। अगर आपके पास चने की दाल नहीं है आप काले चने उबाल के डाल दें, ये भी डाल सकते हैं। इसके साथ खारी मछली जो होती है वो बहुत ज़बरदस्त ढोकरों की जान है, लेकिन मेरे पास खारी मछली नहीं है इसलिए मैं मछली नहीं बना रही हूँ। आप अगर बनाए तो ज़रूर मछली इसके साथ ज़रूर फ्राई करके, और मछली का जो फ्राई किया हुआ तेल होगा उस वो आप इसके ऊपर डाल दीजिएगा, फिर बहुत ही मज़े के बनते हैं। ये मैं एक चम्मच पानी फिर डालूंगी और फिर इसको ढक दूंगी ताकि बैंगन और ये सब गल जाए, जब तक मैं आटा गूंद लेती हूँ। और चूल्हा मैंने मीडियम रखा हुआ है, दाल अभी तक मैंने नहीं डाली है क्योंकि दाल गली हुई है, बस पानी के साथ ही डालूंगी इसमें। अब मैं जब तक आटे को गूंद लेती हूँ, बाजरे का आटा है जो मैंने आधा किलो से थोड़ा ज़्यादा लिया है। अब ये मैं इसमें डाल रही हूँ गरम मसाला, हल्दी, हाफ टी स्पून हल्दी, हाफ टी स्पून गरम मसाला। इसमें नमक हम अपने हिसाब से डालेंगे, जितना बस इतना डाल दें। ये मैं डालूंगी चाट मसाला 1 टेबल स्पून। हमने इसमें चाट मसाला डाल दिया है। ये जो सोया बारीक काटी हुई मैंने रखी है ये हम आटे में डालेंगे। आधा किलो से थोड़ा ज़्यादा आटा है। अब हम इसमें डाल रहे हैं हरा धनिया कटा हुआ। ये सब चीज़ें डाल के हम इसको पीस लें, गूंद लेंगे आटे को। आटे की तरह ही गूंदना है बस, और कुछ भी नहीं है। पानी से गूंदेंगे, ये थोड़ा ऑयल डाल देंगे। ऑयल डालने से क्या होगा, ये थोड़े अच्छे नरम नरम होंगे, बहुत सख्त नहीं होंगे। ये देखें हम आटा गूंद रहे हैं, सिर्फ इसके पानी के साथ ही गूंदेंगे, सादा पानी। ये हल्का हल्का आटा, बहुत ज़्यादा नरम नहीं करेंगे, नरम करेंगे तो ये नहीं बन पाएंगे। जो शेप देनी है ना वो इसमें नहीं आएगी अगर ये नरम हो गया, इसलिए पानी आप थोड़ा थोड़ा ही डालें, थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएं और इसको देखते जाएं कि ये नरम तो नहीं हो रहा। आटा नरम नहीं होना चाहिए बस। जैसा रोटी के लिए आटा बनाते हैं ना उसी तरीके का आटा बनाना है, और कोई नहीं झंझट, कोई अलग तरीका नहीं है, कोई अलग तरीके से नहीं बनाना है इसको। ये रेसिपी बहुत मज़े की लगती है, आप बनाइएगा। और जो मैंने मछली का आपको बताया वो मछली आप फ्राई करके अलग रख लें, और ऑयल जो है वो जब तैयार हो जाएंगे तो ऊपर से उस ऑयल का तड़का लगा लें तो इसमें खुशबू आ जाएगी। और इसमें कड़ी पत्ते भी डलते हैं, लेकिन कड़ी पत्ते मेरे पास मौजूद नहीं थे, मैंने नहीं डाले हैं। आप थोड़े कड़ी पत्ते भी डाल दीजिएगा।
आटा भून चुका है, ना सख्त है ना ज्यादा नरम है। देखिए इस तरीके का है। देखिए हमने हमारा सारा मसाला भून चुका है, आलू भी गल गए हैं, बैंगन भी अल्लाह के हुक्म से गल चुके हैं। ये देखिए ये सारी चीज़ें हमारी गल गई हैं। इसमें आप कर देंगे पानी शामिल। हम इसमें पानी शामिल कर रहे हैं। एक दो, दो बोल भर के मतलब गिलास हो गए, इसमें चार चार गिलास पानी हमने डाल दिया इसमें, और इसे हम फिर ढक के जोश लगने पे छोड़ देंगे। ये मैंने ढक के रख दिया है, पानी जोश में आएगा जब तक मैं यहाँ पे ढोकरे तैयार कर लेती हूँ। ये देखें इस तरीके से हम बनाएंगे इसको। ये मुट्ठी में लिया और ये दो तरफ से शेप आएगी दोनों हाथ से। ये देखें, ये देख रहे हैं, ज़्यादा मोटे और बड़े बनाएंगे तो अंदर, इसलिए ये एक ही साइज पे आप चलाइएगा। ये देख, देख रहे हैं आप सॉफ्ट है। ये पकने के बाद भी बिल्कुल सॉफ्ट ही रहेंगे। अगर ऑयल इसीलिए डालते हैं कि ये सॉफ्ट रहे। ये देखें कितने सॉफ्ट है। हम इस तरीके आटे को उठाएंगे और ये दो तरफ से इस तरीके से करेंगे, ये शेप आएगा इसमें। अब मैं ये फिर ढक्कन खोल रही हूँ, देख रही हूँ पानी जोश खाया, पानी ने भी जोश खा लिया है। अब हम इसमें चने की दाल भी डाल देंगे और ऊपर से आपको बताया था ना ये तरी जो, ये सारी मैं निकाल लूँगी। ये देखो ऑयल ऊपर आया हुआ है ना, ये इसलिए निकाल रहे हैं कि जिस वक्त ये बाजरे का आटा डालेंगे तो सारा ऑयल पी जाएगा, वो ऑयल पी जाएगा तो वो रौनक नहीं लगेगी। वह ऊपर से फिर जिस वक्त निकालेंगे डिश में उस वक्त ऊपर से ऑयल डाल दीजिएगा। ये ऑयल सारा हम ले लेंगे वरना ये सारा ऑयल आटा है बाजरे का वो पी जाएगा। थोड़ा सा ये ऑयल निकाल लिया हमने, इसको हम साइड पे रख देते हैं। अब इसमें मैं चने की दाल डालूंगी जो अभी तक नहीं डाली थी। और क्यों नहीं डाली थी कि ये दाल जो है ये पकी हुई है, ये आप देख सकते हो। अब हम इसमें ये दाल शामिल कर देंगे। एक पाव दाल लिए मैंने, ये देख ये सारा मसाला मिक्स हो चुका है और अच्छे तरह से हो गया है साहब। अब मैं इसमें ढोकरे शामिल कर दूँगी, ये आप देख सकते हैं मैं इसमें ढोकरे शामिल करने लगी हूँ। ये गाढ़ापन भी आ जाएगा इसको डालने के बाद, थोड़ी देर इसको जोश देंगे। ये बहुत मज़े के लगते हैं नींबू और चाट मसाले के साथ। फटाफट बनाएं और सर्दी में ही खाएं, सर्दी की सौगात है, सर्दियों में ही खाई जाती हैं डिशें ऐसी गर्मा गर्म। इसका सूप भी रहेगा, सब्जियों का सूप भी शामिल हो गया इसमें। हर सब्ज़ी आ गई, आप हर सब्ज़ी डाल सकते हैं। और अगर आप लोग को नहीं पसंद तो सिर्फ आलू बैंगन और पालक डाल के भी बना सकते हैं। मैं सारे ढोकरे इसमें शामिल कर दूंगी, थोड़ी देर इसको जोश आने दूंगी और फिर मैं इसको पलटूंगी। अभी कुछ भी नहीं करना है इसको, ना पलटना है ना कुछ करना है। इसको ढक के दो सेकंड के लिए मैं छोड़ दूँ। आग मैंने तेज़ रखी हुई है, तेज़ आग पे ये हो रहा है। थाल को अब ये हमारे ज़बरदस्त से ढोकरे तैयार हो चुके हैं हर सब्ज़ी के साथ। देखें ये मैंने कहा था ना आप स्लो आंच पे छोड़ देंगे तो ये सब गल जाएगा, गल भी गया है और गाढ़ापन भी आ गया है इसके अंदर।
इसलिए ये हमारे ढोकरे हो चुके हैं तैयार। ढोकरे जो हैं वो कितने सॉफ्ट हैं ये देख रहे हैं, और कच्चे नहीं हैं अंदर से, ये देख रहे हैं आप इसको। ये दूसरा पीस भी आपको दिखा दो, हर चीज़ गल चुकी है, कोई भी चीज़ इसमें कच्ची नहीं है, ये देखिए सॉफ्ट देख रहे हैं आप इसका सॉफ्ट, ये देखें सॉफ्ट है। अगर आप इसमें ऑयल डालेंगे इसी तरीके से बनाएंगे तो ये सॉफ्ट बनेंगे, ये कड़क भी हो जाते हैं, और अगर आटा नरम कर देंगे तो ये बहुत पानी की तरह हो जाएंगे अंदर, ये ठहरेंगे नहीं, इसलिए आटा परफेक्ट कीजिएगा। ये देखें आप इस तरीके से निकालिएगा कि हर चीज़ इसमें आए, सेम की फली आए, गाजर आए, आलू आए, बैंगन। ढोकरे तैयार हैं, मैंने आपसे कहा था ना कि ऑयल पी जाएगा, देखें ऑयल नज़र नहीं आ रहा है इसलिए हमने ऑयल निकाल लिया था, अब जब ऊपर से हम इसमें ऑयल डालेंगे तो एक अलग ही खूबसूरती आ जाएगी। ये देखें आप, और अगर जो लोग डाइट पे हैं ऑयल नहीं खाना पसंद करते उनके लिए भी आसानी हो जाएगी। और हम इसके ऊपर से थोड़ा सा धनिया डालेंगे गार्निशिंग के लिए, इस पर हम नींबू रखेंगे, ऊपर से चाट मसाला डालेंगे। ये देखें आप, ये नींबू आप डाल सकते हैं डालना, और इसमें हम डालेंगे चाट मसाला, जो बारह मसाला भी कहा जाता है और चाट मसाला भी कहा जाता है। ज़बरदस्त से मेमनी ढोकरे हमारे तैयार हो चुके हैं, आप देख सकते हैं, आप बनाएं और गर्मा गर्म बना के खाएं, बच्चों को भी खिलाएं, और ये सर्दी की सौगात है, सर्दी चली जाएगी, अभी सारी सब्जियां ताज़ी ताज़ी आई हुई हैं, तो आप लोग बना के लुफ्त उठाएं। और मुझे यकीन है कि आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा, अगर नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर दें। टेस्ट करके बता रही हूँ कि ढोकरे कैसे बने, उसमें नींबू भी डालेंगे थोड़ा, फिर मज़े का लगता है ना। ये तो चम्मच से ही भाग रहा है, मेरे पास आना नहीं चाह रहा। ये देखिए आप, क्या मज़ेदार ढोकरे हैं, यकीन जाने आप, ये सर्दी की सौगातें खा लें। कमेंट में ज़रूर बताइएगा, शेयर करें, कमेंट करें, और कमेंट में मुझे बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगती है। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।